नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की पदयात्रा, उत्तर नागपुर परिसर में पालक मंत्री राउत की रही उपस्थिति। नागपुर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव हुए संपन्न, एचबीए के अध्यक्ष बने अतुल पांडे और उपाध्यक्ष पंकज तिड़के। और बुटीबोरी में 30 से ज्यादा चोरी करने वाला पोंगिया पकड़ा गया, बुटीबोरी पुलिस को मिली आखिरकार सफलता। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र की भाजपा ने सरकार पर आम जनता के जीवन को बेहाल करने का आरोप लगाते हुए शनिवार को नागपुर में कांग्रेस के जनजागरण पदयात्रा निकाली। इस दौरान केंद्र में बैठी भाजपा सरकार का विरोध किया गया। ऊर्जा मंत्री और पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल व डीजल और गैस की दरों में बेतहाशा वृद्धि की है। बेरोजगारी की भी तेजी से बढ़ी है। केंद्र सरकार ने लोगों को महंगाई की खाई में ढकेलने का काम किया है। पदयात्रा का आयोजन उत्तर नागपुर परिसर में किया गया था, जहां पालक मंत्री नितिन राउत उपस्थिति में पदयात्रा निकाली गई। जनजागरण पदयात्रा में शामिल ऊर्जा मंत्री नितिन राउत एवं अन्य कार्यकर्ता थे। पदयात्रा दोपहर बेजनबाग स्थित जनसंपर्क कार्यालय से निकलकर 10 नंबर पुलिया, आवले बाबू चौक, कमाल चौक, इंदौरा होते हुए बेजनबाग में समाप्त हुई। इस दौरान महंगाई और बेरोजगारी पर सकारात्मक निर्णय लेकर जनता को राहत पहुंचाने की मांग की गई। इस अवसर पर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस मूल्य वृद्धि का विरोध जताने वाले पोस्टर भी दिखाए गए। केंद्र सरकार ने या ठिकाणी देशामध्ये वाढवली आहे, कधी नव्हे इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये महागाई वाढली आहे। दररोज आपण बघाल वृत्तपत्रामध्ये किंवा पेट्रोल पंपावर आपण जेव्हा पेट्रोल भरायला जातो, डिझेल भरायला जातो, तर कुठेतरी त्याचे भाव वाढलेले असतात। कधी घरचा सिलेंडर संपला, मोदी सरकार नेहमी म्हणायची की आमच्या देशातल्या महिलांना मी कधी चुली फुकू देणार नाही, कधी त्यांच्या घरामध्ये धूर निर्माण होणार नाही, कारण सर्व महिलांची त्या चुलीचा गळ्या पेटल्यामुळे जो धूर निर्माण होतो त्यामुळे त्यांना अस्थमा होतो, खोकला होतो, त्यांचे डोळे जातात, ते जाऊ देणार नाही। सगळ्यांना आम्ही स्वस्त दराने गॅस सिलेंडरचा पुरवठा करू, परंतु तो सुद्धा काही त्यांनी केला नाही। दररोज एखादा पिसे कापून कसा लोकांचा खिसा कापतो आणि त्याच्या पिशांचे पैसे काढतो, त्या पद्धतीनं मोदी सरकार दररोज या देशातल्या सामान्य जणांच्या खिशांचा पैसे काढतो आणि आपली सरकार या ठिकाणी चालवत आहे। नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या विरुद्ध, भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या विरुद्ध आपण या ठिकाणी हे आंदोलन या ठिकाणी केलेलं आहे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के शनिवार को चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए अधिवक्ता अतुल पांडे निर्वाचित हुए, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए अधिवक्ता पंकज तिड़के व अधिवक्ता एस एन भट्ट ने जीत दर्ज की। कोषाध्यक्ष पद पर MD लाखे व सचिव पद पर अधिवक्ता अमोल जलतारे ने जीत दर्ज की। इसके अलावा सहसचिव पद पर अधिवक्ता पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। ग्रंथालय पद के लिए हुए चुनाव में अधिवक्ता VS ओबेरॉय चुनकर आए। 16 पदों के लिए हुए चुनाव में 37 उम्मीदवार मैदान में थे। चुनाव में पांडे को 554 वोट व सोहनी को 476 वोट मिले। 442 वोट हासिल कर अधिवक्ता श्रीधर पुरोहित तीसरे स्थान पर रहे। उपाध्यक्ष पद के लिए अधिवक्ता पंकज तिड़के को सर्वाधिक 824 वोट हासिल हुए, जबकि अधिवक्ता भट्टड़ को 670 वोट मिले। नागपुर में शुक्रवार को जहां 10वीं की एक छात्रा पॉजिटिव आई थी, वहीं शनिवार को भी 11वीं की एक छात्रा के संक्रमित पाए जाने पर चिंता बढ़ने लगी है। दाबा के एक नामी स्कूल की यह छात्रा है, जिसके कारण पालकों और स्कूल प्रशासन में चिंता का माहौल बढ़ गया है। वहीं शनिवार की बात की जाए तो नागपुर शहर में एक संक्रमित मिला, जबकि ग्रामीण में कोई भी संक्रमित नहीं मिला। मौत के मामले स्थिर बने हुए हैं। जिले में 3,684 नमूने जांचे गए। 2 महीने बाद रोगी की संख्या 1 पर पहुंची। शनिवार 9 संक्रमित स्वस्थ हुए। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 46 पर जा पहुंची। विद्यार्थियों के संक्रमित आने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्रा को पिछले सप्ताह सर्दी, खांसी और बुखार का सप्ताह, उसमें कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए। उनके परिवार को शहर के बाहर जाना था, इस वजह से उन्होंने आरटीपीसीआर कराया, जिसमें छात्रा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। खास बात यह है कि उन्होंने आज स्कूल में परीक्षा दी थी। मनपा के स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार शुक्रवार को जांच कराया था, जबकि शनिवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस वजह से अब संबंधित स्कूल के संपर्क में आए अन्य विद्यार्थियों की जांच कराने के निर्देश स्कूल प्रशासन को दिए गए हैं। नागपुर ग्रामीण बुटीबोरी में चोरी की कई वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी को बुटीबोरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी समित उर्फ पोंग्या संतोष दामने है। वह नागपुर के सुभाष नगर का रहने वाला है। यह कार्रवाई शुक्रवार 17 दिसंबर की दोपहर 1:30 से 2 बजे के दरमियान की बताई जा रही है। बुटीबोरी एनआईडीसी क्षेत्र के नागरिक 1.5-2 सालों में बड़ी चोरी की वारदातों से परेशान थे। पोंग्या से पूछताछ के बाद और भी कई मामले उजागर हो सकते हैं। जानकार का कहना है कि पोंग्या ने बुटीबोरी क्षेत्र में चोरी की 30 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ने इस संबंध में अधिकृत रूप से कोई जानकारी नहीं दी है। पोंग्या को पकड़ने के लिए पुलिस 1.5 से 2 साल से लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन वह चकमा देता आ रहा था। पोंग्या अलग अलग तरीके से घरों में घुसकर कीमती सामानों पर हाथ साफ करता आ रहा था। पुलिस की पकड़ में नहीं आने से वह बेखौफ होकर चोरियां कर रहा था। शुक्रवार को लोकमत कॉलोनी निवासी सुगंधा दयाराम सेलोकर किसी काम से बाहर गई हुई थी। दोपहर करीब 1:30 से 2 बजे के दरमियान पोंग्या उनके घर में घुसा। पड़ोसी को घर के भीतर से आवाज आने पर उन्होंने सेलोकार को जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने घर को घेर लिया और बुटीबोरी पुलिस को सूचना दी। इसके बाद बुटीबोरी थाने के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पोंग्या को धर दबोचा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, डिसाइड कर्नाटका बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नागपुर के अजनी के जोशीवाड़ा इलाके में घर की मालिकी को लेकर हुए विवाद में 54 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत हो गई। मृतक कुकड़े लेआउट निवासी धर्मशिला बालचंद्र ढाट है। यह घटना शनिवार को दोपहर 12 बजे हुई। धर्मशिला एक निजी अस्पताल में परिचारिका थी। मिली जानकारी के मुताबिक जोशीवाड़ी में जोसेफ नामक दंपत्ति रहते थे। जोसेफ की पत्नी नर्स थी। करीब 6 साल पहले जोसेफ की पत्नी की मौत हो गई। उन्होंने अपनी देखभाल के लिए बतौर केयरटेकर डहाट को अपने पास काम पर रखा था। 3 साल पहले जोसेफ की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद से डहाट, उनकी बड़ी बहन धर्मशाला डहाट, छोटी बहन जयशिला गणवीर अपनी बेटी के साथ उपरोक्त मकान में रहने लगे थे। पिछले कुछ दिनों से सब बहनों के बीच घर की मालिकी को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस के अनुसार धर्मशिला के नीचे गिरने से मौत हो गई। अजनी पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई होने की जानकारी भी पुलिस सूत्रों द्वारा दी गई है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित सेवाग्राम आश्रम में गांधी कल और आज इस विचार मंथन पर चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान सभागृह में आयोजित मान्यवरों ने वर्तमान में महात्मा गांधी और अन्य महापुरुषों के विषय में हो रहा अपप्रचार और युवा पीढ़ी पर उसके पड़ रहे दुष्परिणामों पर भी इस चर्चा सत्र में विचार रखे गए। बाला साहब जगताप भाई के साथ हमारा संबंध बना था जब किसान आंदोलन हुआ था, तो इनसे बातचीत करते हुए इन्होंने भी ये चिंता व्यक्त की कि बहुत से महापुरुष जो आज़ादी के आंदोलन से जुड़े रहे, देश के निर्माण में जिन्होंने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा किया और ख़ासकर जो लोग आरएसएस बीजेपी की विचारधारा से अलग रहे, उनके बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें, सफ़ेद झूठ से लेकर सत्य को मरोड़ने की बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं। इसमें विशेषकर महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और लोग हैं, उनके और उनके साथियों के बीच में मतभेद की बातें, झूठ बातें बहुत सी कही जा रही थी। तो ये तय हुआ कि यहाँ आके साथियों के साथ मिला जाए, इस बात को देखा जाए कि किस रणनीति के तहत तो क्यों ये लोग इस चीज़ को करना चाहते हैं, सत्य क्या है। तो जो पचासों हज़ारों बातें कही जाती हैं, हर चीज़ का तो हम लोगों ने आज उल्लेख नहीं किया, लेकिन कुछ उदाहरण देखकर ये बातें कि किस तरीके से सफ़ेद झूठ बताए जाते हैं और आगे के लिए क्या हम लोग सब मिलजुल कर एक दूसरे का हाथ पटाकर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, सूचनाओं का एक दूसरे से आदान प्रदान कर कर, दूसरों को जब कोई सवाल खड़ा हो तो उसका सच बताकर किस तरीके से हम संगठित होकर इस पूरा जो एक मुहिम चल रही है इन लोगों के खिलाफ, उसको काउंटर कर सकते हैं। आपके बारे में जो भी खबरें आपको आती हैं, पहली चीज़ तो ये है कि उसके पीछे का सत्य जाने। और सत्य ये होता है कि कोई अगर आप पे आरोप लगाता है किसी पर या कोई बात कहता है, उसका सबूत पता करें, सबूत का जो तथ्य है उसका कहाँ से आया, वो कैसा है, उसकी प्रामाणिकता देखें, दो चार आसपास के लोगों से पता करें और अपने आप सच सामने आने लगता है। और ख़ासकर जब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने पहले नहीं सुनी थी, नहीं सुनी है, उनके बारे में अगर मन में जिज्ञासा होगी लोगों की, ये जो एक अजीब सी आदत हो गई है कि जो व्हाट्सएप पे आ जाए, आपको अच्छा लगे या ना लगे उसको स्वीकार कर लो, उसको सच मान लो, उसमें जो भी सबूत मिलते हैं उसको सही मान लो, ये जो एक नई आदत लोगों में पड़ गई है, इसने जो है समाज में गलत भ्रांतियाँ भी पैदा की हैं और एक तरीके से समाज में जो अपनी चेतना और विवेक होता तो उसको बिल्कुल मार डाला है। आज कोई अपने आप से नहीं सोचता, अपने आप से नहीं समझता है, हर चीज़ औरों पर निर्भर रहती है। तो एक तो लोगों में जिज्ञासा पैदा करनी, सवाल पूछने की आदत डालनी, सामने जो भी पूछा चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे उसको कम से कम उसके पीछे का सच जानना। अगर इस तरीके का चरित्र निर्माण हम लोगों ने लोगों में कर दिया तो हर समाज में आपको 5-10% ऐसे लोग मिलेंगे जो औरों से संवाद करते हैं, बात करते हैं, सत्य को प्रतिष्ठित करते हैं। और ऐसे लोग अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही वर्षों में ये जो मुहिम चली है अलग अलग संस्थाओं की, संगठनों की, इसको हम लोग परास्त कर पाएंगे। समाजाच्या काही घटकांकडूनच नाही, विशिष्ट संघटना ज्या हिंदुत्ववादी स्वतःला म्हणून घेतात त्या अशा प्रकारचे भ्रम फैलवत आहेत आणि हिंदुत्ववादी विचारधारेच्या सगळ्याच्यामध्ये ज्यांनी स्वातंत्र्याच्या लढ्यालाच विरोध केला, जे स्वातंत्र्याच्या लढ्यामध्ये कधीच नव्हते, म्हणजे स्वातंत्र्याच्या लढ्यालाच विरोध करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघटना झाली, ती लोक महात्मा गांधी असतील किंवा नेहरू असतील किंवा अशा सगळ्या लोकांबद्दल एक विष पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत। जी नपुंसक माणसं असतात ते इतिहास घडवू शकत नाही, तर ते इतिहासाची तोडफोड करतात आणि कादंबरी आणि रंजनाचा भाग म्हणजे इतिहास नसतो हे त्या शहाण्यांना माहीत नाही। मला स्वतःला असं वाटतं की आजचं शिबिर जे बाळाजगतापांनी आयोजित केलेलं आहे हे भ्रम जे काही आहे ते दूर करण्याचा तरुणांमध्ये प्रयत्न आहे। भंडारा जिले में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है, जाके स्थानिक जिला परिषद क्षेत्र में कांग्रेस पदाधिकारियों ने पार्टी से बगावत कर दी है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने चुनाव में पार्टी के बाहरी उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिसके कारण कांग्रेस के पदाधिकारियों ने स्वतंत्र उम्मीदवार कांग्रेस के ही खिलाफ खड़ा कर दिया है, जिसके कारण कांग्रेस में राजकीय माहौल गर्मा गया है। उनके इस मतदार क्षेत्र का मैं 2 बार रिप्रेजेंटेटिव रह चुका हूं, तीसरी बार मैं ओनली फॉर 6 वोट से आ रहा हूं, तो इस मतदार क्षेत्र में मेरी भी लोकप्रियता है क्योंकि मैं 30 साल से पार्टी का काम करता हूँ। जब मैं मेरी लोकप्रियता है, मेरे खुद के भरोसे पर मैं जब इलेक्शन लड़ता हूँ तो 2-3 वोटों से हारता हूँ, तो मेरे कैंडिडेट को चुन के लाने के लिए मेरे को तकलीफ नहीं, क्योंकि मेरे साथ मेरी पार्टी के सभी जो पुराने कार्यकर्ता है, जो निष्ठावान है, जिन्होंने कांग्रेस को ये ठिकाने में अपना जीवंत रखा है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये जवाहर नगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का लगा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे आरएसएस के लोग, बजरंग दल के लोग, हिंदू महासभा के लोग ज़्यादा संख्या में होने के बावजूद भी हमारे जो साथ में काम करने वाले, जिन्होंने हमारे को बड़ा बनाए, जिन्होंने हमारे को कांग्रेस पार्टी में लाके हमको कांग्रेस पार्टी में लोक प्रतिनिधि बना के जनता की सेवा करने की संधि उपलब्ध करा के दी है, उन लोग साथ में रहने के बाद भी वो बार बार बोल रहे हैं फिर भी तुम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को अगर टिकट नहीं देती होंगी तो ऐसे समय में पार्टी के बड़े नेताओं को भी हमने सिखाना चाहिए, क्योंकि हम नेताओं के भरोसे है तो हमारे भी भरोसे नेता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि नेता ऐसे सोचते हैं कि हमारे सिवाय कार्यकर्ता की उन्नति नहीं है, तो हम भी ये बताना चाहते हैं कि कार्यकर्ता के बिना नेता बन नहीं सकता। अगर कार्यकर्ता तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, तुम आदमी कितने भी बड़े होंगे, तुम्हारे पास विचारधारा नहीं होंगी, तुम्हारे पास सर्वधर्म निरपेक्षता नहीं होंगी, तो तुम ठीक है आज बादशाह हो, कल तुम सक्सेस होंगे क्या, इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं इस परिसर में पिछले 20 साल से हूँ और ये सब हमारी टीम एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। कोई कांग्रेस से है, कोई नहीं भी होगा तो भी इस टीम की विचारधारा एक है और कांग्रेस समर्थन में इस बार सब जन मिलजुट कर काम करके एक अच्छा उम्मीदवार अपन चुन के लाएंगे और एक कांग्रेस को प्रतिनिधित्व देंगे यहाँ से, ऐसा सबका इसी सबकी मनोधारणा थी। लेकिन हुआ अलग ही, जिन लोगों ने टिकट मांगी थी उन पक्ष के लोगों को टिकट न देते हुए किसी को उसने विश्वास में भी नहीं लिया और सबको दरकिनार करने वाले एक नए आदमी को अगर यहाँ से टिकट दे दी तो कौन काम करने वाला है। हम भी चाहते हैं कि अच्छा उम्मीदवार, और ये मुन्ना भाऊ हो या कोई बाकी भी जिन्होंने टिकट मांगी थी, उन्होंने बहुत साल से हम देख रहे बहुत यानी पक्ष के लिए, पक्ष मजबूत करने के लिए काम किया है, उनको न्याय मिलना चाहिए था, ऐसी हमारी सदिच्छा थी, लेकिन उनको न्याय पक्ष नहीं दे सका। या टिकीट म्हणजे निवडणुकीमध्ये आतापर्यंत या ठिकाणी जे सांगण्यात आलं ती गोष्ट अत्यंत खरी आहे आणि मी सचिव म्हणून 5 मीटिंग अरेंज केलेल्या होत्या आणि सर्व संपूर्ण कार्यकर्त्यांना घेऊन सगळ्यांना आम्ही समज दिली की यावेळेला आपण संपूर्ण आपल्या काँग्रेस पक्षातील कोणत्याही कार्यकर्त्याला जर तिकीट मिळाली तर आपण त्यांचं काम करायचं। परंतु आमचं पक्षश्रेष्ठीने कुठेही ऐकलं नाही आणि ज्यांनी कधी पक्षाचा झेंडा पकडला नाही, ज्यांनी पक्षात कधी काम केलं नाही, अशा बाहेरच्या व्यक्तीला आमच्या मनगुटीवर, आमच्या बोखांडीवर आणून बसवलं आणि त्यामुळे सर्व आमचे कार्यकर्ते या क्षेत्रातले, या ठाणा जिल्हा परिषद पंचायत समिती क्षेत्रातले सर्व कार्यकर्ते नाराज झाले आणि त्यांनी आम्हाला हे सांगितलं की आता आपण आपल्या वरिष्ठांना आपण एकी करून आपला काँग्रेस पक्षाचा एखादा गरीब कार्यकर्ता उभा केला पाहिजे आणि त्याला निवडून आणलं पाहिजे, हे आमच्या कार्यकर्त्यांनी सांगितलं आणि म्हणून आम्हाला त्यांच्या विरोधात जाता नाही, आम्हाला आमच्या कार्यकर्त्याला घेऊन चालायचं आहे आम्हाला, कारण की पक्षश्रेष्ठी किंवा पक्षनेता किंवा मोठा नेता हा कार्यकर्त्यापासून तयार होत असतो। त्यामुळे आम्हाला आमचा कार्यकर्त्याचा मान ठेवून हा निर्णय घेतला आणि आम्ही 3 उमेदवार अपक्ष या ठिकाणी उभे केलेले आहे, त्यांना आम्ही निवडण्याचा चंग बांधलेला आहे, निर्धार केलेला आहे। म्हणून ही बंडखोरी या ठिकाणी करण्यात आली की आम्हाला पक्षश्रेष्ठीला एक वेळा सांगून द्यायचं होतं की काँग्रेस कार्यकर्ते या ठिकाणी काय काम करतात, कसे काम करतात, तळागाळातून कसे काम करतात, हे आम्हाला सिद्ध करायचं होतं। 5 साल से हम पूरी टीम के साथ कांग्रेस से जुड़े रहते हुए इस इलाके में अपनी सीट निकले कांग्रेस की, हमारी इच्छा थी, मगर हमने सब लोगों ने एक साथ 5 गए महीने में 5 मीटिंग्स लिए, उसमें हम सब लोगों ने ये तय किया कि जो भी उम्मीदवार हो कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी गरीब से गरीब कार्यकर्ता को पार्टी टिकट दे, हम उनका तहे दिल से काम करेंगे। मगर हमारे पार्टियों के नेताओं ने हमारी सुनी नहीं, हमें विश्वास में नहीं लेते हुए एक जो भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम कर रहे हो उनको टिकट दी, इसलिए हमें बहुत बड़ा झटका लगा। हमारे दिल को बात लगी कि हम क्यों ना अपने में से किसी को खड़ा करें, हम क्यों किसी के दूसरे पार्टी वाले का काम करें, क्यों तो वो आज आएगा कल और चला जाएगा, हम तो काँग्रेस है, काँग्रेसी रहेंगे। और काँग्रेस में मी बऱ्याच वर्षापासून काँग्रेसचा कार्यकर्ता असून काँग्रेस पक्षाचे आमचे कार्यकर्त्याची बरेचदा 4 ते 5 वेळा मीटिंग झाली, पण त्या मीटिंगमध्ये ज्याला उमेदवारी काँग्रेस पक्षाने दिली तो कधी आमच्या मीटिंगला उपस्थित न झाल्यामुळे आम्ही शेवटी पर्याय म्हणून जे आम्ही ठरवलं होतं बा काँग्रेसच्याच कार्यकर्त्याला तिकीट दिलं पाहिजे, पण पक्षश्रेष्ठीनं काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याला तिकीट न दिल्यामुळे शेवटी आम्हाला अपक्ष म्हणून उमेदवारी स्वीकारी लागली, म्हणजे देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला सगळ्या मिळून आणि ते तयार झाले, त्यामुळे आम्ही अपक्षाच्या सोबत उभे राहू आणि त्याला जिंकून आणण्याचा आम्ही 100% प्रयत्न करू। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर और गोंडवाना विश्वविद्यालय गढ़चिरौली की मराठी प्राध्यापक परिषद का वाणिज्य महाविद्यालय में आयोजित 32वां अधिवेशन 23 और 24 दिसंबर को नरखेड़ के श्री पंडरीकला में किया गया है। कार्यकारिणी की बैठक में सम्मेलनाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर प्रमोद मुंघाटे की नियुक्ति की गई। मानव शास्त्र विद्याशाखा के अधिष्ठाता डॉक्टर दत्तात्रेय वाटमोड़े, परिषद के मार्गदर्शक डॉक्टर सत्यवान राजेंद्र वाटाने, डॉक्टर शैलेन्द्र लेंडे मेश्राम, अध्यक्ष डॉक्टर गणेश मोहड़, उपाध्यक्ष राजेंद्र नाइकवाड़े, कार्य सचिव डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे, सहसचिव डॉक्टर अजय चिकाटे, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सोपान पिसे, डॉक्टर विजय राउत, डॉक्टर मनीषा नागपुरे, डॉक्टर कोमल ठाकरे, डॉक्टर राजेश कभे, डॉक्टर अशोक भक्ते, डॉक्टर गणेश चौहान आदि उपस्थित थे। तो आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही, लेकिन देखते रहिए आप वीके बी न्यूज।